वो चश्मा उल्टा होने की वजह से उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने जी में कहा कि कैसा अच्छा चश्मा है, क्या ही अच्छा हो कि मैं लोगों से कनारा कश होकर इस घाटी में ही ठहर जाऊं। है भाई समझ नारी बात। लेकिन मैं ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लिए बगैर हरगिज न करूंगा। चुनाचे इस ख्याल का जिक्र हुजूर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया तो आपने इरशाद फरमाया ऐसा न करना, क्योंकि तुम में से किसी भी शख्स का अल्लाह ताला के रास्ते में थोड़ी देर घर रहना उसके अपने घर में रहकर 70 साल नमाज पढ़ने से बेहतर है। कितने से 70 साल अपने घर में रहकर 70 साल नमाज पढ़ने से बेहतर है। क्या तुम लोग नहीं जान चाहते अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत फरमा दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करो। जो शख्स कितनी देर भी अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ा, जितना वक्फा एक ऊंटनी के दूध दौड़ने में दोबारा थन दबाने के दरमियान होता है, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये जो रस्ते आपके पास से गुजर रही है इसे तो आप छोड़ दो और ये अखीर तक जावे। इधर उधर को या मैं अपने रुमाल कपड़े बांध करके या आप मत रोको, ऐसे आन जाने दो आगे तक, आगे तक जाने दो। आप इसमें जोड़ लो अपने रुमाल चादर कोई भी चीज जो है बांध लें, इसको इधर उधर जाए इसको आगे जाने, पर इससे जो है अपना कपड़ा कोई रुमाल जो है